तो दोस्तों मैं बना रहा हूँ अभी लच्छा पराठा। हाथ ऐसे नहीं करते खाना बनाने के, उस पे जब बनाते हैं ना पूजा करते पे झाड़ते हैं हाथ, ना रोटी बनाते पे हाथ झाड़ते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आसपास से हो रही है बारिश और उस कारण मैं स्कूल भी नहीं जा पाया। और मम्मी धो रही है अपने मस्त बर्तन, और हमारी सिम्मी भी घूम रही है। और बाहर अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की। मौसम में मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने जो है ये मखाने देखे, तो ये मखाने को फिर मैंने काटा। अब इनको हम भूनते हैं फिर मस्त खाएंगे। और ये तो सबको अच्छे ही लगते होंगे, सुबह सुबह नाश्ते में मिल जाएं। ये व्रत में भी खाए आते हैं ना हमें। हाँ ये व्रत में भी खाए आते हैं क्योंकि मम्मी ने जन्माष्टमी में। बता काट के क्यों बना, काट के क्यों सेकते हैं हम लोग? किस में कीड़े वगैरह ना हो तो वो देख लें हम, तो किस में छेद होते हैं ना छोटे छोटे वहाँ घुस जाते हैं एकदम मालूम है। के तो मैं ये अपने के लिए लाया था और खा ही रहेंगे मस्त अपना। तो मैंने तो एक भी नहीं खाया, इन्होंने मेरे सब खा लिया, फिर मेरी तरफ प्लेट सर कर दी। बोल लो तो मुंह में भरना रहे है। तो ऐसे खा लेंगे को खाओगे? अभी मम्मी बना रही है कुछ खाने के लिए। और आज कोई सादा पराठा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा वाला पराठा लग रहा है। लच्छे वाला पराठा प्लेन रोटी बेल के और इसके ऊपर देखो जी अपने आतंक मचाती है। ढाई ढूं कुछ ऐसे करके अबे गुलाब बन गुलाब, फिर इसमें परोथन लगा के तुमने हमें कालो कालो का डालो ये अजवाइन। हाँ मैं पूरी तैयार आ गई कि अजवाइन डाली होगी। पहले बनाना सीखो। खाना आते हैं ना सीखना, तो खाली हमें मुँह आते। पांच ही मैं तो सीख गया ड्रिंक। अरे जा लो मम्मी चाय के संग में जाएंगे, चाय बनने रख दो। हाँ सीखो ना। हाँ चाय बनने रख दो फटाफट जी। मोबाइल दे सिम्मी जाएगी इसमें। और ले मोबाइल पकड़ दीदी मोबाइल। अब तुम कैसे बना रहे हो जी अच्छी तरह से पहले? तो दोस्तों मैं बना रहा हूँ अभी लच्छा पराठा। हाथ ऐसे नहीं करते खाना बनाने के, उस पे जब बनाते हैं ना पूजा करते पे झाड़ते हैं हाथ, ना रोटी बनाते पे हाथ झाड़ते हैं। उससे कह रही थी कैमरा अंदर के ऐसा लग रहा है क्योंकि हाथी को बच्चा होता है। ऐसे बनेंगे तो हमने कल तक खा ले। तो बनाने दे सीखने तो दे है ना। और ऐसे वही सबसे पहली बात तो गोल बनाया है इसलिए बहुत क्लैपिंग। अरे क्लैपिंग बिगाड़ दी। अब बेलन को उसमें रख लेते हैं अंदर। शाबाश। अब अभी पहले इस पे घी लगा। जब हाथ ऐसे नहीं झाड़ते। हाँ मैं झाड़ूंगा अब याद रहेगी। सही में हाथी को बच्चा लग रहा है। कम बोला कर बिसु। किनारे तक वो रख दे डिब्बा उधर। ये तो और घी ले जा रहा, कितना घी डाले वो? मेरा पराठा तो घी ज्यादा हो। देखो कैसे बनते है पता जी। फिर ऐसे कुरकुरे कुरकुरे। अरे मुंह पे फोकस कर वाली। शाबाश। रोल मत कर, चुन्नटे बनानी होती है ऐसे ही। शाबाश भाई बहुत बढ़िया। ऐसे फिर किले की तरह है वो। इसमें क्या करा है तुमने? इसमें तुमने घी ज्यादा लगा लिया है। अब ना लगा हूँ घी। पुज्जा पुज्जे ना ना ना। राजा साहिल ने जो पराठा बनाया है उसको म्यूजियम में रखा जाए हमारी आगे आने वाली प्रजा को ये संकेत मिले।
ध्यान से दोस्तों और प्यार से आपको बनाना होता है। आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, मैं सिखाऊंगा। तो बन गया। चल तू पहले डाल दे, मैं बाद में सेक दूंगी। जैसी आगो वो पक वो आगो वो डाल दिया आज मैं। तू रुक तो जा अभी। उठाओ खाए थे। हटा वो हम कर लेंगे दरा। तुमने बेल के तरह। तो दोस्तों ये मैंने पहली बार बेला है, इसके लिए मेरी तारीफ लिखना कमेंट में। ओ वाओ मेरा सेका हुआ पराठा कैसा लगा बना के? मजा आई। और तुम बना लियो अपने खाने के लिए, है ना? बस एक तो रह गया आलू का पराठा सीखने के लिए, गोभी का पराठा सीखने के लिए, प्याज का पराठा सीखने के लिए। पराठे सीखने के लिए रह गए हैं और रोटी। भाई को सब्जी बनानी आते है। चाय के संग मिर्ची, चाय के संग मैं आएंगे पराठे खाने में। बारिश के मौसम में लक्षा पराठा प्लस चाय, और बारिश भी धीमी धीमी आना चालू हो गई है। मेरा पराठा एकदम करारा सिक चुका है। बस इसके लिए हम चाय बनाएंगे, फिर उसके इसको चाय के संग हम इसको गप कर लेंगे। हाथ जल गया। बारिश जो है फिर से पड़ना चालू हो गई और हमारी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। हमें दीदी से बिना पूछे, दीदी की दोस्त ने गिफ्ट दिया है, मैं उसमें चाय पीऊंगा। अरे फिर देखना जब देखेगी कप को उसका रिएक्शन, कैसे तेज चिल्ला के पड़ेंगी। नहीं पड़ी तो वो तो भगवान की कृपा है कि नहीं पड़ी चिल्ला कर। ते हैं यहाँ रखती है चाय। तो इतना टेस्टी लग रहा है कुछ कहने की नहीं। चाय विंट पे हूँ, चाय बहुत गर्म है, मुँह जला देगी मेरा खामा का। अभी तो गई हुई है नहाने के लिए, और जब दीदी आएंगी और वो देखेंगी मैंने उनका गिलास ले लिया है गोवा वाला, और तब चिल्ला के पढ़ेंगी। और मैं यहाँ सामने कैमरा फिट कर दूंगा जैसे दीदी आएंगी बाहर निकल कर। बता रही रोते कहाँ है वो? अरे मम्मी यार जाने मेरी यहाँ पे चाय करते ले ली छोट। बेटा चाय कर के नहीं रहेंगे, मैं तो खा जाऊँ। मैं यहाँ पे किसे ले ली? ले ली तो आप बताएँगे मैं? मेरे कप दे दूँगा। नहीं चाय ग्लास उठा के दे और का कोई बात नहीं, मैं तो पी लूंगा मेरा का। वाओ गोवा वाला कप, आहा क्या चाय का टेस्ट आ रहा है। चाय में मैंने चारों चार लगाए, कप में चाय में चारों चार लगाए। दोस्तों अगर जो देखना है तो मेरी चीज बैग जमा ले। दीदी की पता थी कि इस कप को देखकर जरूर उससे लड़ेंगी। हाँ मम्मी धो के रख जल्दी। धो रहा हूँ ना, काय के लिए कछु और भी रख अभी। और जे नहीं खुला। अरे जाके पीछे युद्ध मत करो। धो दे रहे हैं, काय आ रहा हूँ मैं धो दे रहा हूँ। केस से सबूत है मेरे पे, वीडियो सबूत के मैंने दीदी के कप में चाय पी और फिर मैंने ये धो दिया। बचे कुछ बर्तन भी मैं, ये मैं नहीं धो रहा, काम तो लड़के मेरी आफत खड़े कर देती। और मम्मी से बार बार शिकायत करती जो भी हल्की सी भी गलती से, अरे ये टूट गया मम्मी ये तो दो। अपना यहाँ पे मस्त बैठी है, मम्मी भी यहाँ पे बैठी है। क्या मैं पांचवी दीदी के पास बैठ जाके इसके पास नहीं बैठूंगा? मारे मुझे खामा का।
आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। हम ब्लॉग चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।